हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मॉलिकुलर सॉलिड। लास्ट में हमने डिस्कस किया था आयनिक सॉलिड, आज डिस्कस करेंगे मॉलिकुलर सॉलिड जो टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड के। चार टाइप थे, पहला टाइप था आयनिक सॉलिड, दूसरा है मॉलिकुलर सॉलिड, उसके बाद कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, और उसके बाद लास्ट वन हमारा सॉलिड जो होगा उसे डिस्कस करेंगे। तो मॉलिक्यूल सॉलिड क्या होते हैं सबसे पहले ये जान ले। तो दोस टाइप ऑफ सॉलिड विच इज प्रेजेंट विद द मॉलिक्यूल्स पार्टिकल इज कॉल्ड मॉलिकुलर सॉलिड। ऐसे सॉलिड जिसमें मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं मॉलिकुलर सॉलिड। आप मॉलिकुलर सॉलिड हमारे तीन टाइप के होते हैं, पहला होता है नॉन पोलर, दूसरा होता है पोलर मॉलिक्यूल, थर्ड होते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिकुलर सॉलिड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पोलर एंड नॉन पोलर, ये तीनों हमने 11th में पढ़ा है, बट डिस्कस यहां भी कर लेते हैं थोड़ा सा कैसे क्या होता है। तो दीज आर दोस टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर आइदर एटम लाइक हीलियम, नियोन, हमारा आर्गन, इस टाइप के अगर एटम है तो इन्हें भी हम बोलते हैं नॉन पोलर सॉलिड। क्योंकि जो इनका डाई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो फाउंड नहीं होता है, और साथ में ऐसे एटम और मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट हो जाते हैं डाई मॉलिक्यूल्स में, जैसे हमारा हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, मीथेन है, ये डाई मॉलिक्यूल्स में हमें मिल जाते हैं, तो ऐसे सॉलिड को हम बोलते हैं नॉन पोलर सॉलिड्स। नाम कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और कैसे बिहेवियर होता है, अगर हम इसको हीलियम मान लें, हीलियम कि ये दोनों क्या है नॉन पोलर है, तो ये हीलियम एटम वन है और ये है हीलियम एटम टू। तो हीलियम एटम वन और हीलियम एटम टू के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस वर्क कर रहा है इसको बोलते हैं हम वीक लंदन डिप्रेशन फोर्सेस। अब वीक लंदन डिप्रेशन फोर्सेस जो क्रिएट होते हैं वो एटम और एटम के बीच में होते हैं, यहाँ पे एटम और एटम के बीच में होंगे, यहाँ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में होंगे। तो जिधर साइड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डाइपोल में हमने पढ़ा था कि जिधर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सामने वाला जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करता है खींचता है, तो उसको क्या करते हैं हम, अब ये है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये है हमारा नेगेटिव टर्मिनल, इस साइड में प्रेजेंट है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एरो बना देते हैं और इस टाइप का साइन लगा देते हैं, विच इज साइन इंडिकेट दैट नॉन पोलर डाइपोल जो क्रिएट हो रहा है वो एटम टू से एटम वन की तरफ क्रिएट हो रहा है। अब कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक दी दे आर नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड। क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। सेकंड केस में एज दे आर सॉफ्ट दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। अब ये सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड के नाम से भी जाने जाते हैं, इसी वजह से इनका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो कंसिस्ट विद देयर्स। नाउ सेकंड हमारा जो टाइप है पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर मीडियम। दैट मीन कि पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये क्या होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक, अब पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके बीच में जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होने वाला है वो कैसे होगा देख लीजिए। तो यहाँ पे ये हमारा डाइपोल मोमेंट है, तो डाइपोल मोमेंट की तरफ हम देखते हैं तो क्या होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, तो इसके बीच का जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बहुत क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज वेरी वीक डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हेंस वी से दैट वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लग रहा है
किसके बीच लग रहा है, जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हो, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड के हो, जो क्या होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो एज दे नॉन पोलर सेम एज वेल एज इन पोलर, की ये नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी मॉलिक्यूल सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अब क्यों नहीं होते, क्यों, क्योंकि फ्री टू मूव नहीं होते। अब सेकेंड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, एज देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर नॉट सो हाई, दे ऑल्सो एग्जिस्ट एज गैसियस इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड ऑर्डिनरी प्रेशर। यानी हम अगर छोटा सा एक प्रेशर अप्लाई करें या रूम टेम्परेचर पे इन्हें देखेंगे तो ये क्या होते हैं, ऑर्डिनरी गैसेस में डिवाइड हो जाते हैं। दैट मीन कि एग्जिस्ट करते हैं गैसियस स्टेट को और लिक्विड स्टेट को, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा न होने की वजह से ये क्या करते हैं, दोनों स्टेजेस को एग्जिस्ट करते हैं लाइक लिक्विड एंड गैसियस। अब आते हैं थर्ड हमारा जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पढ़ा है, हाइड्राइड हम देखेंगे, जितने भी हाइड्राइड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनके साथ में। तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स होते हैं, जैसे हमारा हो गया OF2 है, NH3 है और HF, इस टाइप के जो सॉलिड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। नाउ दिस टाइप ऑफ सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर कॉन्टेन्स हाइड्रोजन एटम। ऐसे सॉलिड जिनके साथ में हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं उस टाइप के सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्मॉल इन साइज, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। आपको मालूम है फ्लोरीन क्या है, हमारा हैलोजन ग्रुप का मेंबर है, जो क्या होता है हाईली नेगेटिव होता है ड्यू टू स्मॉल एटम साइज। तो यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्मॉल इन साइज क्यों, क्योंकि वन अपॉन साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हेंस वी से दैट कि ये क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं लाइक एफ, दैट मीन फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर इनके कंपाउंड लेंगे तो हमारा वॉटर हो गया, अमोनिया हो गई इस टाइप से। तो अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें क्या मिलता है, टेट्राहेड्रल मिलता है। एक तरीके से हम शो करते हैं हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऐसे सिंगल बॉन्ड लगा करके हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन को यहाँ शो कर देंगे। और वाटर के बीच का एंगल हमें पता है 109 डिग्री होता है या 108 डिग्री 5 मिनट का होता है, तो इनको इस टाइप से हम रख देंगे। और जो अमोनिया के बीच होता है 108 तो बॉन्ड एंगल इनके बीच भी डेवलप होते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ लेट्स वी मूव ऑन अनदर, हमारा जो टाइप है कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड।